Now we will discuss how do these traits get expressed. ठीक है, ये traits जो हैं वो कैसे express होते हैं. ठीक है, हमने कहा कि जो tall plant है वो tall दिखेगा, जो small है वो small. मतलब हमें कैसे पता चल रहा है कि कैसे इनका expression आ रहा है. ठीक है, क्या चीज़ है जिससे हमें पता चल रहा है कि यही character इसका है. ठीक है, how do we know about the trait? Okay. So, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो ट्रेट्स हमें बताते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जीन्स, क्योंकि जीन्स ही ऐसे हैं जो उन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो अप करते हैं. ठीक है, जीन्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बेसिकली वो ट्रांसफ़र क्या होता है, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ओके, सो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम पे इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है एंड कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन. ओके, मीन्स आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, कहाँ होते हैं क्रोमोसोम, सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में क्रोमोसोम है. डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो जीन्स को कैरी करता है. अब जीन्स कहाँ होते हैं, जीन्स भी एग्जैक्टली डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम लगे हैं. ठीक है, या क्रोमोसोम में डीएनए, आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी कह लीजिए. ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अगर ऐसी बात है तो वहीं पर जो क्रोमोसोम है उसमें क्या है, जीन्स. ठीक है, सो जीन्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लोकेशन. माइंड माय वर्ड्स, लोकेशन कैसी है, स्पेसिफिक लोकेशन है, कि अगर हाइट का जीन मुझे क्रोमोसोम नंबर 11 पे मिलेगा और इस पोजीशन पे मिलेगा पर्टिकुलर पे, तो वो वहीं पर मिलेगा. ठीक है, सपोज कि नंबरिंग होती है ना, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं सेल में, सेल में टोटल क्रोमोसोम है 46. ठीक है, 46 टोटल है और पेयर में 23 हो गए. ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, हाइट वाले जीन का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, कलर वाले जीन का स्पेसिफिक लोकेशन है, हेयर ग्रोथ के जीन का स्पेसिफिक लोकेशन है, हर एक जीन का स्पेसिफिक लोकेशन है जो कभी चेंज नहीं होता है. और जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम में. सपोज कीजिए, लेट मी शो यू, सपोज कीजिए दिस इज द क्रोमोसोम. ठीक है, इस तरह से होते हैं क्रोमोसोम, इनके ऊपर यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से. ठीक है, यहाँ पर ये जीन्स प्रेजेंट है सपोज कीजिए. ठीक है, ये क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर. एंड कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए ये कोड करते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. जैसे सपोज कीजिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए पी प्लांट के, तो उसने भी प्रोटीन्स का बहुत यूज था वहां पर. ठीक है, कैसे, देखिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ये परफॉर्म करती हैं प्रोटीन्स. अब जो पी प्लांट है उसने ग्रो करना है, जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, हम ये कैरेक्टर कंसीडर कर लेते हैं मेंडल का. ठीक है, प्लांट साइज, तो प्लांट साइज में दो ट्रेट्स होते हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ. ओके, अब इस ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है, वी हैव डिस्कस्ड कि ग्रोथ कंट्रोलिंग हार्मोन कौन होते हैं, ऑक्सिन. एंड हॉर्मोन्स की बात क्यों हुई है, बिकॉज हॉर्मोन्स है क्या, बेसिकली हॉर्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, हॉर्मोन्स आर द प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स प्रोटीन्स हैं. ठीक है, और जो जीन्स हैं वही प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, दैट मीन्स प्रोटीन्स का भी ट्रांसफर हो रहा है ना इनडायरेक्टली. ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटीनेशियस हैं. सपोज कीजिए हॉर्मोन्स जो हैं उनको भी एक्शन कौन कराता है, हॉर्मोन्स का एक्शन कौन कराता है, एंजाइम. एंजाइम का एक कैटालिस्ट की तरह है, कैटालिस्ट मतलब जो किसी रिएक्शन को बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा, उसको हम बोलते हैं एंजाइम. ठीक है, तो एंजाइम जो है अगर उसमें ही कोई डिफेक्ट आ गया, अगर एंजाइम में डिफेक्ट आ गया तो ये रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ाएगा. कहने का मतलब एंजाइम जो है वो हॉर्मोन्स पे एक्शन कर रहा है, अगर एंजाइम ही डिफेक्टेड है तो हॉर्मोन्स अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. जब हॉर्मोन्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा कैरेक्टर अफेक्ट होगा. जैसे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऑक्सिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे पूरा कैरेक्टर अफेक्ट हो जाएगा, या तो प्लांट बहुत टॉल हो जाएगा या तो प्लांट बहुत ड्वार्फ हो जाएगा. ठीक है, जब भी कैरेक्टर डिफेक्टिव होगा. ओके, सो इफ इट ऑल्टर देन द डिफेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक विल प्रोड्यूस. ओके, सो इस वे में क्या होता है, जीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं एक कैरेक्टर के ट्रांसफर होने में. एक कैरेक्टर इस वजह से आ रहा है हमारे पास, जीन्स में ही प्रोटीन्स हैं, ओके, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कोड करते हैं ये जीन्स. एंड जितने भी सेट्स हैं जीन्स के वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, रिमेंबर दिस, ठीक है. इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ जीन्स हैं. कहने का मतलब है अगर जैसे 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट में कंसिडर किए, तो कहने का मतलब है उसके लिए 7 अलग अलग तरह के जीन्स होंगे. अब वो 7ों जीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है. 7 के 7 जीन्स का आपस में कनेक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो वाला एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होगा तभी दूसरा होगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर हो सकता है कि दूसरा डिफेक्टेड हो. तो दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ जीन्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जीन्स प्रेजेंट होते कहाँ पे हैं यूजुअली, जो ट्रांसफर हो रहे हैं. हम कह रहे हैं ना जीन्स मदर मदर और फादर से ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, ओके. सो बेसिकली ये जो जीन्स हैं ये होते कहाँ हैं, जर्म सेल्स, जिसमें मियोसिस होता है. यूजुअली हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोजोम 23 पेयर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक पेयर होता है जर्म सेल्स में जो जाता है. मीन्स सेक्स क्रोमोजोम वाला जो है वो एक ही पेयर है, और 22 क्रोमोजोम जो है वो जनरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं. ओनली वन पेयर हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. वो जर्म सेल से ट्रांसफर होगा वन पेयर, और फ्यूजन हो जाएगा. फ्यूजन होगा तो जाइगॉट बनेगा, ठीक है. जाइगॉट में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे. अल्टीमेटली जब जाइगॉट बन जाता है तो खुद ब खुद क्या होता है, 46 क्रोमोजोम्स उसमें डेवलप करने लगते हैं. मीन्स पूरा वो फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम उसमें बन जाएगा बेबी में, ठीक है. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसमें फुल सेट इन्वॉल्व नहीं था, उसमें देर वॉज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्म सेल्स, डैट मीन्स सेक्स क्रोमोजोम की इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम पे. लेकिन टाइम के साथ साथ वो कैरेक्टर्स भी बाकी बिल्टअप हो गए, ओके. एंड ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल द जीन्स, ये पता होना चाहिए. हर एक पी प्लांट में 2 सेट होने चाहिए सभी जीन्स के. 2 सेट क्यों, एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना. एक फादर से होगा हाइट का जीन और एक मदर से होगा, इसलिए बोला गया कि 2 सेट होते हैं हर एक पी प्लांट में जीन्स के, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कैसे ये ट्रेड्स एक्सप्रेस हुए जीन्स की वजह से. जीन्स ने इनको एक्सप्रेस किया. ट्रेड्स क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं वही ट्रेड्स हैं, तो वो जीन्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है. तो एक्सप्रेस किसने किया, बेसिकली जीन्स ने. अगर जीन्स ही ट्रांसफर नहीं होंगे या जीन्स में ही डिफेक्ट हो जाएगा, जीन्स में डिफेक्ट होने का मतलब है, जीन्स में डिफेक्ट मतलब प्रोटीन में डिफेक्ट, प्रोटीन में डिफेक्ट मतलब काम अच्छे से नहीं होगा. अल्टीमेटली पूरा का पूरा ट्रेड, पूरा का पूरा कैरेक्टर ही क्या होगा, डिफेक्ट. वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि कैसे सेक्स का पता चलता है दैट बेबी इज मेल और फीमेल. अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है ना, ठीक है. सुना होगा आपने जैसे प्रेग्नेंट वेमेन होती है उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं एंड पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है, ओके. लेकिन जब एग फर्टिलाइज होता है तब कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है. मीन्स थोड़ा सा अगर हम साइंस लगाएं, टेक्निक लगाएं, तो कैसे पता लगा सकते हैं. सो बेसिकली अगर मोस्ट कॉमनली इंडिविजुअल्स की बात करें तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जीन्स के लेवल पर हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जैसे कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, देयर आर सम स्पीशीज लाइक रेप्टाइल्स एंड स्नेल्स जिनमें जीन्स का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ओके. रेप्टाइल्स में क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इनका सेक्स, ठीक है. यानी कि ये फर्टिलाइज्ड एग जो है, मेल और फीमेल ने एग फर्टिलाइज किया, और जहाँ पे उन्होंने फर्टिलाइज्ड एग रखा हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे एग फर्टिलाइज हुआ है वहाँ उस जगह के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या मेल होगा या फीमेल होगा, ओके. स्नेल्स में क्या होता है, बेसिकली दे आर इंटरचेंजेबल सेक्स. वो मेल भी बन जाते हैं और फीमेल भी बन जाते हैं, ठीक है. मीन जो फीमेल है वो मेल भी बन सकती है और जो मेल है वो फीमेल भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो कुछ इंडिविजुअल्स में इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. मोस्ट कॉमनली सभी इंडिविजुअल्स में जीन्स लेवल पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जेनेटिकली डिटर्मिंड होता है सेक्स, ठीक है. सो दीज आर द पेरेंट्स. सपोज कीजिए ये मेल है ये फीमेल है. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, एज आई हैव टोल्ड यू कि जीन्स स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, क्रोमोजोम में, है ना, क्रोमोजोम में प्रेजेंट है. तो क्रोमोजोम जो है वो बेसिकली कितने सेट्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के हर एक सेल में, है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है.
मेल्स में भी और फीमेल्स में भी जो 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, वो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। 23 में से सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो 22 बच गए वो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज ऑटोसोम, जो अदर जनरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, उसके अलावा जो फंक्शंस हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल में, वो डिटरमिंड होता है एक्स वाई से, ठीक है। और जो फीमेल है उसमें इसको डिनोट करते हैं एक्स एक्स से। सेम ही होता है, फीमेल में जो क्रोमोसोम है वो सेम होगा सेट, लेकिन जो मेल है उसमें डिफरेंट होगा एक्स वाई। नाम दे दिया मींस, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलती है एक्चुअल में, ठीक है। जो बेसिकली वाई वाला होता है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, ये कंप्लीटली बना हुआ होता है जो एक्स है, समझ रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए जो एक्स एक्स है ना, वो इस तरह से कंप्लीटली फॉर्म्ड क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो एक्स वाई है उसमें एक्स इस तरह से होगा, लेकिन वाई सपोज कीजिए इतना सा होता है इस तरह से, ठीक है। मीन्स शेप में चेंज मिलता है मेल्स के क्रोमोसोम को जब अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं सेक्स क्रोमोसोम को, तो शेप में चेंज मिलता है, इसलिए नाम दे दिया एक्स वाई। और इसका सेम शेप होता है, सेम बिल्कुल फीचर सेम है, इसलिए एक्स एक्स फीमेल में, ठीक है। रिमेंबर दिस, फीमेल इज एक्स एक्स, मेल इज एक्स वाई। ये पेरेंट्स गैमेट हैं, ये पेरेंट्स हैं। अब क्या होगा, इनसे गैमिटोजेनेसिस होगी, गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्स। अब इस वाले गैमेट का पहले इससे फ्यूजन कराएंगे और फिर इसी गैमेट का इससे फ्यूजन कराएंगे, ठीक है। जब ऐसे फ्यूजन कराएंगे तो क्या होगा देखिए, और जो इस वाई का इससे और इसी का फिर इससे कराएंगे, तो इस तरह से आपके पास इंडिविजुअल्स प्रोजेनी बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गई आपके पास, ऑफस्प्रिंग्स बन गए, ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन है। नाउ ऑफस्प्रिंग में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स, तो एक्स एक्स, और ये एक्स, तो एक्स एक्स। अब ये वाई है, इस एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो ये। दैट मीन्स हाफ द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर बॉयज एंड हाफ द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर गर्ल्स, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या जानकारी मिल रही है, दैट फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। औरतों पर लांछन लगाए जाते हैं, भ्रूण हत्या कर दी जाती है ना, मींस फिटिसाइड यूज किए जाते हैं। सुना है ना आपने कि बच्चे को कोख पे ही मार दिया जाता है, पता लगा लेते हैं अल्ट्रासाउंड से लोग कि लड़का है या लड़की, लड़की होगी तो किलिंग कर दी जाती है। और जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, औरतों को ब्लेम किया जाता है यूजुअली, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट फीमेल्स। बिकॉज फीमेल से चाहे कोई भी क्रोमोजोम ट्रांसफर करे वो सेम ही है, फीमेल्स के पास है ही एक्स एक्स। कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, दिस वाई क्रोमोसोम इज डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर देखिए एक्स एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो ऑब्वियसली फीमेल बनेगी, ये फिर से एक्स एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो फीमेल ही बनेगी, डिफरेंस कौन लेकर आएगा, वाई। अगर ये वाई फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज करता है तो बेटा होगा, लेकिन अगर ये वाई फ्यूज नहीं कर पाया और ये वाला स्पर्म फ्यूज कर गया तो क्या होगा, बेटी, ठीक है। मींस कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में, मेल, कि मेल का कौन सा स्पर्म फीमेल के एग के साथ फ्यूज करेगा। ओके, सो फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट क्रोमोजोम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। ओके।